हेलो प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको जूही हिंदी पाठमाला का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है एक रहे हैं एक रहेंगे। इस कविता द्वारा कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भारत देश में अनेकता में एकता है, चाहे हम किसी भी जाति धर्म व समुदाय के हो, फिर भी हम सभी में एकता की भावना है। इसी एकता की भावना को कवि ने अपने सुंदर शब्दों में फिरोया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता एक रहे हैं एक रहेंगे। कविता का पहला पद्यांश है एक रहे हैं एक रहेंगे। कण कण से गूंज उठा स्वर, सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई हम, मंदिर मस्जिद गिरजा अपने अपनी धरती अपना अंबर, कण कण से गूंज उठा स्वर। तो बच्चों कविता के पहले पद्यांश में जैसा कि आप देख रहे हैं, कवि हमें बता रहे हैं कि हम सब एक है और हमेशा एक रहेंगे। हमारे कंठ अर्थात हमारे गले से यही स्वर बार बार गूंजते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम सब भाई है, हम सब भारत माँ के संतान है। कवि ने हमारे पूजा स्थल धरती तथा अंबर को अपना बताया है, तथा कवि यही कह रहे हैं कि हम पहले भी एक थे, आज भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कविता का दूसरा पद्यांश। अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है, अलग देश भाषा है लेकिन जय भारत सबका नारा है। मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत, यहाँ पर कण कण से गूंज उठा स्वर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कवि हमें यह बता रहे हैं कि हमारा देश बड़ा प्यारा और न्यारा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य के मन में एक दूसरे के लिए भाईचारा की भावना है। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी हम मिलकर देशभक्ति के गीत गाते हैं और जय भारत का नारा लगाते हैं। हम सब एक रहे हैं एक रहेंगे, हमारे कण कण से बार बार यही स्वर गूंज रहा है। कविता के तीसरे पद्यांश को देखते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के वासी, सभी भिन्न भाषा के भाषी, कितने ही समुदाय मगर सब कहलाते हैं भारतवासी। कैसे कैसे शत्रु भागते आखिर हमसे मुखी खाकर, एक रहे हैं एक रहेंगे, कण कण से गूंज उठा स्वर। बच्चों, तीसरे पद्यांश में कवि हमसे यह कह रहे हैं कि हम अलग अलग स्थानों में रहने वाले हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग समुदाय से है, मगर हम सब मिलकर भारतवासी कहलाते हैं। हमारी एकता के कारण ही हमारे शत्रु हमारे दुश्मन हमसे डरकर हमसे हारकर चले गए। हम एक है और हमेशा एक रहेंगे, हमारे कण कण से यही स्वर गूंज रहा है। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे निवेदन है कि आप यह पाठ पुनः पढ़ें। एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलूंगी। धन्यवाद। थैंक यू।